नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम आपको दैनिक राशिफल से अपडेट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा रहेगा आपका दैनिक राशिफल 4 मई 2024। आज 4 मई 2024 शनिवार कृष्ण पक्ष एकादशी है, आज शनिवार है। अगर कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो राहुकाल का समय जरूर नोट कर लें। इस समय कोई शुभ कार्य न करें। आज राहुकाल 8:58 AM से 10:38 AM तक रहेगा। नक्षत्रों की बात करें तो आज पूर्व भाद्रपद का योग है। चंद्रमा आज चंद्रमा कुंभ राशि में संचार करेंगे। हम आपको बताएंगे कि दिन कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए ताकि आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। परंतु पहले हम आपको बताएंगे आपका दैनिक राशिफल ताकि आप अपने आगामी कार्यों की तैयारी कर सकें। हमारे चैनल पर आपको रोज नई नई जानकारी और राशिफल मिलेगा, इसलिए आप हमें सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी अपडेट न छोड़े। मेष राशि, कल फाइनेंस के मामले में इस माह में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। वाहन की खरीदारी से लेकर रिपेयरिंग और संतान की शिक्षा जैसे कार्यों पर धन अधिक खर्च हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। प्रतिष्ठित लोगों के बीच आपकी पहचान बनेगी। व्यापार में धैर्य से काम लेने के कारण बड़ा लाभ मिल सकता है। बीमार लोगों के रोग मुक्ति की संभावना है। जॉब में मनोवांछित उन्नति मिल सकती है। वृष राशि, कल का दिन नए संबंधों का भरपूर लाभ उठाएंगे। अपनी बातों से लोगों को आकर्षित कर पाएंगे। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के साथ ज्ञान में वृद्धि कराएगा। हाथ समेटकर चलने के बाद भी कुछ अनावश्यक खर्च होंगे। व्यापारी वर्ग अपेक्षित मुनाफा कमाने में सफल होंगे। आमदनी अच्छी रहेगी। ज्ञान और समझदारी रहेगी, लेकिन कुछ दुविधा की स्थिति भी हो सकती है। व्यस्तता के चलते जीवन साथी को कम समय दे सकेंगे। मिथुन राशि, कल का दिन अलग अलग स्रोतों से आय होगी। प्रतिभा और मेहनत के दम पर अच्छा आर्थिक लाभ कमा पाएंगे। शेयर बाजार में किया गया निवेश लाभदायक साबित होगा। पारिवारिक क्लेश काम को प्रभावित कर सकता है, इसलिए घर का माहौल शांत बनाए रखने की कोशिश करें। लव मैच विवाह के बंधन में बंधने का विचार बना सकते हैं। चेस्ट में इन्फेक्शन और जलन को लेकर ज्यादा परेशान हो सकते हैं। कर्क राशि, कल अनुभवी और बड़े बुजुर्गों की बातों को न सुनने पर व्यापारी वर्ग को नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि पैतृक व्यापार संभालते हैं तो राय मशवरे के बाद ही कोई निर्णय लें। गुरु का मार्गदर्शन मिलने से पढ़ाई तो अच्छी होगी, साथ ही लव रिलेशन भी अच्छे होंगे। मैरिड लाइफ औसत रहेगी। खट्टी मीठी नोकझोंक और प्यार दोनों को परस्पर तालमेल देखने को मिलेगा। सेहत की दृष्टि से माइग्रेन के साथ ही संयम में कमी जैसी समस्या हो सकती है। कोई बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। सिंह राशि, कल का दिन जो लोग स्थान परिवर्तन चाहते हैं, उन्हें मनचाहा स्थान मिलेगा। ऑफिस की गॉसिप का हिस्सा बनने से खुद को रोकना है, अन्यथा यह आपको बेवजह के विवादों में घसीट सकता है। व्यापार को मजबूती मिलेगी। आय और ग्राहकों में अच्छी वृद्धि भी देखने को मिलेगी। व्यापारी वर्ग के विदेशी संपर्क स्थापित होंगे, तो वहीं उच्च शिक्षा की चाह रखने वाले विद्यार्थी वर्ग को भी विदेश जाकर पढ़ाई करने का मौका मिल सकता है। कन्या राशि, कल का दिन कला, वकील, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों का मान सम्मान बढ़ेगा। विदेशी कार्य से जुड़े लोगों को भी लाभ होता दिखाई दे रहा है। कोर्ट कचहरी के मामलों में फैसला आपके पक्ष में हो सकता है। व्यापारी वर्ग को अन्य आय के स्रोत मिलेंगे। कार्यों को पूरा करने के लिए थोड़ी भागदौड़ बढ़ सकती है। धार्मिक कार्यों में धन खर्च करेंगे। राजनीति से जुड़े लोगों को आज कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तुला राशि, कल के दिन काम को कैसे बेहतर बनाएं, इसी बात पर फोकस रखें। तकनीकी से अपडेट रहें और उनका प्रयोग भी करते रहें। माह में आमदनी में बढ़ोतरी तो होगी ही, वहीं खर्चे के भी रास्ते तैयार होते नजर आ रहे हैं। मशीनरी का काम करने वाले लोगों को लाभ होगा। जमी जमाई स्थिति को और मजबूत करना व्यापारी वर्ग का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। सरकारी काम में देरी या ग्राहकों के साथ अनबन के चलते कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि, कल के दिन कानूनी अड़चन दूरी होगी। जो लोग नौकरी या व्यापार में परिवर्तन करना चाहते हैं, उनके लिए समय अच्छा है। निवेश और लोन के लिए भी समय अनुकूल है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले लोगों को आर्थिक लाभ मिलेगा। यदि कोई इंटरव्यू है तो सफलता मिलेगी। विवाह के लिए रिश्ते आएंगे। दाम्पत्य जीवन की खटपट दूर होगी।
शिक्षा में यदि मन नहीं लग रहा था तो अब लगेगा। बंधन से मुक्ति मिलेगी। यदि कोई रिश्ता बोझ लग रहा था तो उससे जुड़ा बड़ा फैसला ले सकते हैं। धनु राशि, कल का दिन काम के दौरान परेशानी और चुनौती आना आम बात है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, उनके लिए संपत्ति के क्रय विक्रय से बचना ही बेहतर होगा। लव रिलेशन में अहम का टकराव भी हो सकता है। आर्थिक सहयोग की आवश्यकता पर ससुराल पक्ष के लोग मदद करने के लिए पहले हाजिर होंगे। माता जी की सेहत का ध्यान दें, वह जोड़ों के दर्द से ज्यादा परेशान हो सकती हैं। मकर राशि, कल के दिन लोगों को भाग्य का साथ माह के मध्य से मिलेगा, जिसके बाद से स्थिति अनुकूल होती दिखाई देगी। प्रमोशन के योग बनेंगे। टारगेट बेस्ट जॉब करते हैं तो आत्मविश्वास टारगेट पूरा करने में मदद करेगा। महिलाएं स्वभाव से जिद्दी हो सकती है। कपल्स की बातचीत बंद थी तो यह माह आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। आप दोनों फिर से एक दूसरे की ओर खींचे चले आएंगे। वैवाहिक जीवन में खर्चों को लेकर कुछ परेशान हो सकते हैं। कुंभ राशि, कल का दिन उतार चढ़ाव वाला रहेगा। पैसा तो मिलेगा लेकिन मेहनत के बाद, यानी कि बिना कठिन परिश्रम के लाभ की आशा न करें। यदि कोई उधारी है तो उसकी रिकवरी के लिए कई बार रिमाइंड करना पड़ेगा। युवा वर्ग न केवल करियर बल्कि अपने रिलेशन को लेकर भी कुछ उलझे और परेशान रहेंगे। पारिवारिक मतभेद बढ़ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में प्यार कम और तकरार जैसी स्थिति ज्यादा बनेगी। ऐसे में सूझबूझ से काम लेंगे तो स्थिति पर काबू किया जा सकता है। मीन राशि, कल का दिन करियर में एक्टिव लोगों के लिए माह अच्छा रहेगा, लेकिन सेहत के मामले में आपको थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत पड़ सकती है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के साथ विदेशी यात्रा के योग बनेंगे। कार्यस्थल से जुड़े ज्ञान में वृद्धि के प्रयास करें, यानी ज्ञान को बढ़ाने के लिए यदि कोई कोर्स करना पड़े तो अवश्य करें। तत्काल और स्पष्ट कहने से वाद विवाद की संभावनाएं बढ़ेंगी। माता पिता की ओर से आर्थिक सहयोग या सरकारी धन की प्राप्ति की प्रबल संभावना है। इस प्रकार सभी राशियों के लिए दैनिक राशिफल विभिन्न रहेगा। आप अपनी राशि के अनुसार निर्णय लें और अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हों। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।